नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। 25 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त होने पर प्रधान लोग क्या बोले। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बांसडी ब्लॉक के कुछ प्रधान ने बताया कि हम प्रधानों के कार्यकाल बढ़ रहे हैं, परंतु यह भी सुनने में आ रहा है कि हम प्रधान के 25 दिसंबर को समाप्त होने वाले एडीओ पंचायत कार्यवाहक होंगे, परंतु यह गलत है। आप खुद सुनिए प्रधान लोग क्या कह रहे हैं। अपना एक परिचय बता दीजिए। मैं अरुण कुमार सिंह, प्रधान संघ का महामंत्री। जी जी, क्या मामला है? हम लोगों की एक मांग है, जैसा सुनने में आ रहा है कि भाई कार्यकाल तो प्रधान का बढ़ रहा है जी, चुनाव जब तक नहीं होता है तब तक कार्यकाल बढ़ा माना जाएगा, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि प्रशासक किसी दूसरे को नियुक्त किया जाएगा, उस स्थिति में हम कहना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि के तौर पर जब तक चुनाव नहीं होता है तो ये तो मान लीजिए सरकार की अपनी वो है कि नहीं करा पाई। जब तक चुनाव न हो जाए तब तक प्रधान जो है पहले से वही रहना चाहिए, उसी के संचालन में देखरेख में सारा कार्य होना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब चुनाव उत्तर प्रदेश सरकार की या केंद्र की होती है तो उसका कार्यवाहक मुख्यमंत्री हमेशा जो मुख्यमंत्री होता है वही रहता है। तो उसी तरह जब तक कार्यकाल बढ़ रहा है कार्यवाहक प्रधान के रूप में मैंने जो प्रधान चुने गए हैं अभी वर्तमान में है उन्हीं को रहना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। ऐसा नहीं, अगर ऐसी मांग नहीं पूरी होगी तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं होता है तो मांग पूरी नहीं होती है तो हम सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर अगर आप कार्यवाहक तब आप भी वहाँ से हटिए, जब चुनाव होने के बाद तब आइएगा, जब चुनाव का घोषणा हो जाए तो आप कार्यवाहक चुनाव के दिन तक रहते हैं तो क्यों नहीं प्रधान रह सकता है? प्रधान क्यों नहीं रह सकता, क्यों नहीं प्रधान रह सकता है, ये हमारी मांग है। और हम लोग चाहेंगे, वैसे लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी जी, मैं मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध कर रहा हूं कि प्रधान को ही कार्यवाहक प्रधान के रूप में रखा जाए। मैं उनसे डिमांड करता हूं, वो जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने वाले हैं, हम लोग भी अपने तरफ से उनका सम्मान करते हैं, इसलिए उनसे भी हमारा आग्रह यही है कि कार्यवाहक के रूप में प्रधान ही रहे। जी अपने पर्चे बता दीजिए। कमलाकर यादव, प्रधान दराव ब्लॉक बांसडी, जिला बलिया। जी, जिस तरह से आप लोग कार्यकाल की अवधि खत्म होने वाली है, क्या अभी आप लोग चुनाव प्रक्रिया में प्रसमर तक नहीं बनाया है तो क्या आपका इस पर क्या राय है, क्या देना चाहते हैं? आज तक जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है उसमें यह व्यवस्था कायम है जी कि जब तक अगला चुनाव नहीं होता है तब तक प्रधान ही उसका अध्यक्ष रहता है या प्रधान ही उसका मालिक रहता है। जब चुनाव हो जाता है तो नई पंचायत का जो जीत कराता है वो बनता है निर्वाचन के बाद। अब जो नए सुनने में आ रहा है कि नए कार्यकाल, जब नया कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है तो उसमें आने वाले दिनों में ये सुनने में आ रहा है कि प्रशासक की नियुक्ति होगी। अगर प्रशासक की नियुक्ति होती है तो पूर्वत की भांत फिर प्रधान ही उसका प्रशासक नियुक्त किया जाए, जो पिछले समय से चला आ रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार संवैधानिक व्यवस्था को देखते हुए इस कार्य को लागू करें। मैं चंद्रशेखर यादव, ब्लॉक अध्यक्ष बांसडी। क्या आप लोग कार्यकाल की अवधि खत्म होने वाली है, अधिकारियों का कहना है अभी आप लोग कार्यकाल चलेगा तो क्या आप लोग किस तरह का भय है अभी? जी भय कुछ नहीं है, प्रधानों का कार्य, हम सभी प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा जी। तो आज तक के इतिहास में चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे मायावती जी की भी सरकार रही हो, कार्यकाल के बाद जितना समय बढ़ा है, जिस जो अवधि बढ़ती है उसमें कार्यवाहक प्रधान को ही नियुक्त किया गया है। आज तक के इतिहास यही रहा है। और अगर सरकार, वर्तमान की सरकार अगर हम लोगों को कार्यवाहक नहीं नियुक्त करती है तो हम लोग रोड से लेकर के सदन तक बाध्य हो जाएंगे उतरने के लिए। लेकिन उम्मीद है कि यह भी सरकार पूर्ववर्ती सरकार के तरह
अगर किसी को कार्यवाहक नियुक्त करती है तो वह होंगे प्रधान। उम्मीद हम लोगों को, सारे प्रधानों को, पूरे प्रदेश के प्रधानों को यही है। क्या ये मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जी को यही आपका मांग है, कर्मचारियों का दौरा करने चाहते हैं? प्रदेश संगठन हम लोगों का पंचायती राज मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी एक अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके प्रधान संगठन से वार्ता की थी कुछ दिन पहले। हम लोग ज्ञापन भी अपना संगठन के माध्यम से मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री को दिए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कार्यकाल जो अवशेष बढ़ेगा वह प्रधान के पास ही रहेगा। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।